हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की। स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी व्लॉगर निखिल एंड फार्मर। मैं जा रहा हूं दोस्तों, आज सुबह ही सुबह का टाइम है चारा लेने। दोस्तों जाऊंगा साइकिल पे ही और दिखाऊंगा आपको नए नए जंगल के नज़ारे। दोस्तों ये देखिए, मैं आ चुका हूँ कच्चे रास्ते पर। दोस्तों कच्चे रास्ते का मजा ही है और चलने का। गांव में इसे पगडंडी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ हरे भरे खेत दिख रहे हैं। मैं जा रहा हूँ साइकिल पर। मैं आज अपने दूसरे वाले खेत पर जा रहा हूँ। सामने बुग्गी आ गई है, देख लीजिए। धूप काफ़ी अच्छी निकल गई है, देख सकते हैं आप देख लीजिए। धूप का बहुत बढ़िया मौसम होता है। बटिया का हाल काफ़ी खस्ता हो चुका है। बारिश के कारण जो है वो ख़राब हो चुकी है बटिया। इधर पानी चल रहा है, किसान भाई ने खेतों की सिंचाई के लिए पानी चला रखा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। इधर ही खड़ी है, इधर चारों तरफ हरियाली हरियाली, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब ठीक आने लगा है रास्ता। देखिए दोस्तों कैसा होता है बटिया का नज़ारा पगडंडी का। अब मैं दिखाता हूँ आपको गांव की संस्कृति का नज़ारा। ये देख सकते हैं आप, ट्यूबवेल चल रही है जिससे खेतों की सिंचाई होती है। ये देखिए दोस्तों, ये पानी यहाँ से होकर और दूसरी जगह जा रहा है। ये देख लीजिए, ये जा रहा है पानी और इधर जाकर इस तरफ मुड़ गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों, फिर दूसरी ट्यूबवेल आ गई है, दूसरी सिंचाई हो रही है। ऐसे गांव के जंगल का ऐसा ही माहौल होता है। ये देख सकते हैं आप, इधर फिर चल पड़ा है ट्यूबवेल का वो। आप चारों तरफ देख सकते हैं केवल हरियाली है हरियाली। दोस्तों जब कल आपने वीडियो में देखा था मैं दूसरे खेत पर गया था अपने, आज दूसरे खेत पर आया हूँ। मैं तो काफ़ी पास हूँ उसके खेत के ही, अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। मैं आपको वहीं जा के दिखाऊँगा कि मैं किस वजह से आया था और वहाँ क्या क्या बुरा है। आजकल किसान भाई किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप देख सकते हैं। जुड़े रहिए, मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत पर। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ गेंदे की फसल जो फूल देता है वो कैसी होती है। ये देखिए आगे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये गेंदे की फसल है कैसा फूल देता है। ये देखिए दोस्तों, गेंदे का फूल ऐसे ही बोते हैं किसान भाई। ये देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, ये जंगल के बीच एक मंदिर है। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने घर। देखिए दोस्तों, मैं अभी आया था चारा लेकर अपने जंगल से। देखिए दोस्तों, हमारे पीछे जो है गाय माता बैठी हैं। मैंने आपको ये वीडियो में कई बार दिखाई हैं। दोस्तों ये हमारे मोहल्ले में ही रहती हैं, हम इनकी दाना चारा पानी रखकर सेवा करते रहते हैं। आप भी देख सकते हैं पीछे बैठी हैं। आपको ये हमारी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और आप भी गौ सेवा पे ध्यान दें। दोस्तों इन गौ माता की भी एक स्टोरी है, मैं आपको कभी एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल ये हमारे मोहल्ले में ही रहती हैं और मोहल्ले में रहकर ये यहाँ से जाती नहीं है, क्योंकि हम इनको पानी चारा दाना सब चीज़ देते हैं और इन्हें पेट भराई निहार भी देते हैं। इनका चारा पूरा ध्यान रखते हैं इनका, इसलिए हमारे मोहल्ले से नहीं जाती हैं। इनकी पूरी इनसाइड स्टोरी जो है मैं एक वीडियो में बताऊंगा शुरू से। आप इनकी जानकारी के लिए मेरे पहला वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम गाय माता को चारा ज़रूर खिलाते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती जब भी हमारे सूखे चारे पे लग जाती हैं, पर हम इन्हें कभी भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि गाय जो है माता है वो कुछ भी खा सकती है। हम उन्हें कभी भी खाने के लिए मना नहीं करते हैं। हम जब भी ये हमारी बुग्गी को चारा को देखती हैं तो ये हर बार इस पर खाने पर लग जाती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जंगल से आते ही रख दिया है गाय माता के चारा, अब ये खा रही हैं चारा। दोस्तों हम इस गाय की सेवा रेगुलर करते हैं, मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया भी है। दोस्तों गौ सेवा का अलग ही महत्व होता है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों मैं ला चुका हूँ अपना चारा, देख सकते हैं आप पीछे हमारा चारा रखा है। ये देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आज के व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।